नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, भगवती महाकाली को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव दत्त। मैं श्री रुद्रनाथ जी का शिष्य वैभवनाथ आज आपसे एक अनोखे लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। आज हम जानेंगे गुरुदेव दत्त महाराज के बारे में। जो कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में है, वे सभी दत्त गुरु के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो रखते ही होंगे। दत्त गुरु भगवान अत्रि मुनि और अनुसुईया जी के पुत्र थे और उनके भाई थे चंद्र और दुर्वासा मुनि। नवनाथ परंपरा में दत्तात्रेय भगवान को आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि नवनाथों में जो प्रथम नाथ थे श्री मच्छिंद्र नाथ जी, जिन्हें हम महाराष्ट्र में बड़े बाबा के नाम से जानते हैं। मच्छिंद्र नाथ जी को दत्तात्रेय भगवान ने ही दीक्षा प्रदान की थी, उन्हें अष्टयोग सिखाया था, षटकर्म सिखाया था और उन्हें योगी बनाया था। इसीलिए नवनाथों में दत्त गुरु भगवान को आदि गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय भगवान को शिव, ब्रह्मा और विष्णु का एकत्रित रूप माना जाता है। इसीलिए दत्त गुरु की उपासना करने से त्रिदेवों की उपासना एक साथ करने का फल मिलता है। दत्तात्रेय भगवान गुरु तत्व का एक श्रेष्ठतम प्रतीक है, इसीलिए उन्हें गुरुणान गुरु कहते हैं। गुरुणान गुरु का मतलब होता है गुरुओं के गुरु, मतलब वे ही सबके गुरु हैं, उनका गुरु कोई नहीं। लेकिन इस बात पे भी एक रोचक कथा है जो मैं आपसे अभी साझा करने जा रहा हूँ। यह कहानी है राजा यदु की। महाराजा यदु एक राजा थे, वे यदुकुल के प्रथम सदस्य भी माने जाते हैं। उनके वंशज, जिनको हम यादव या अहीर के नाम से जाने जाते हैं। महाराजा यदु भगवान दत्तात्रेय जी के भक्त थे। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु का नाम पूछा। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने 24 व्यक्तियों से गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा, मेरे 24 गुरुओं के नाम है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट। आगे जाके यही दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु माने गए। दत्तात्रेय भगवान में तम, रज और सत्व, ये तीनों गुण मौजूद है। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं ना, त्रिगुणात्मक त्रैलोक्य दत्तः जाना। इसका मतलब है तीनों गुणों से युक्त ऐसे दत्त भगवान को मेरा नमन है। दत्त भगवान की शक्ति और उनकी महती का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य भी उनकी शक्ति और महती से अनभिज्ञ नहीं रहे। आदि गुरु शंकराचार्य दत्त गुरु भगवान की स्तुति में क्या कहते हैं सुनिए। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरत्ने देवा सदाशिव मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ ये है, जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन दत्तात्रेय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।
ब्रह्मज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र है, तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप है, उन दत्तात्रेय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भार्गव परशुराम जी ने श्री विद्या मंत्र की दीक्षा गुरु दत्तात्रेय से ही प्राप्त की थी। भक्त प्रह्लाद जो कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, उनको अनासक्ति योग का उपदेश देकर उनको श्रेष्ठ राजा भी दत्त भगवान ने ही बनाया था। भगवान दत्तात्रेय स्मर्तुगामी हैं, वे अपने भक्त के स्मरण करने पर तत्काल सहायता के लिए किसी भी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। भक्त को योग व मोक्ष देने में गुरु दत्तात्रेय समर्थ हैं। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गिरनार पर्वत एक सिद्ध क्षेत्र माना गया है। हिंदू धर्म और जैन धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। गिरनार पर्वत पर स्वयं श्री दत्तात्रेय भगवान ने काफ़ी युगों तक तपश्चर्या की थी, इसीलिए गिरनार को एक सिद्धस्थली माना गया है। गिरनार पर्वत पर जैन गुरु नेमिनाथ जी ने भी 700 वर्षों तक तपस्या की थी और हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी वहाँ काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है गिरनार पर्वत या गिरनार क्षेत्र में दत्त गुरु भगवान अभी भी निर्गुण रूप में विचरण करते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि दत्त गुरु भगवान गिरनार पर्वत पे सुबह के समय ब्रह्मा के रूप में, मध्याह्न समय में विष्णु के रूप में और सायंकाल पश्चात भगवान शिव के रूप में विचरण करते हैं। गिरनार पर्वत नाथ संप्रदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। गिरनार पर्वत नाथ संप्रदाय का उपासना केंद्र भी माना गया है, क्योंकि यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ, बाबा किनारा मघोरी, वासुदेवानंद सरस्वती और रंग अवधूत महाराज जैसे काफ़ी सिद्ध पुरुषों ने यहाँ दत्तात्रेय भगवान की तपस्या की है। तंत्र क्षेत्र में दत्तात्रेय भगवान का अनन्य साधारण महत्व है। दत्तगुरु महाराज को 14 विद्या और 64 कला का अधिपति या गुरु माना गया है। अभी तंत्र विद्या के संबंधित मैंने बात निकाली है तो आपको और एक रोचक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी है कार्तवीर्य अर्जुन राजा की। कार्तवीर्य अर्जुन प्राचीन हय वंश के राजा थे। उनके पिताश्री का नाम था कृतवीर्य, इसीलिए इनका नाम गिरा कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन ने दत्त गुरु महाराज की काफ़ी लंबे समय तक तपश्चर्या की थी और दत्त गुरु ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें तंत्र ज्ञान दिया था और दत्तगुरु ने उन्हें, दत्तगुरु का एक गुह्य तांत्रिक स्वरूप भी है जिसे काफ़ी गुप्त माना गया है, काफ़ी कम लोगों को पता है, जो स्वरूप अनघा लक्ष्मी के साथ है। दत्तगुरु ने कार्तवीर्य अर्जुन को अनघा लक्ष्मी के साथ दर्शन दिए थे, जिसके बारे में मैं आपको फिर कभी जानकारी दूंगा विक्षिप्त में। दत्तात्रेय भगवान ने कार्तवीर्य अर्जुन को सहस्त्रबाहु होने का आशीर्वाद दिया था। सहस्त्रबाहु होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके 1000 हाथ थे, इसका मतलब ये होता है कि कार्तवीर्य अर्जुन में 1000 हाथों का बल आ चुका था। ये दत्त गुरु की तपश्चर्या के वजह से ही वो प्राप्त कर सके। इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी परास्त किया था। तो सोचो,
दत्त गुरु की तपश्चर्या के बाद वो कितने बलशाली हो चुके थे। महाराष्ट्र में दत्त उपासना बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दत्त गुरु, जैसे कि आप सभी जानते हो, दत्त गुरु खुद अवधूत, दिगंबर और वैरागी है। दत्त उपासना से आप वैराग को भी प्राप्त कर सकते हो। वैराग मतलब ये नहीं होता कि संसार या सब कुछ छोड़ देना या अपनी फैमिली छोड़ देना। वैराग का अर्थ यही होता है कि जो मोह माया है, जो अष्ट माया है, उनसे मुक्त होकर अपने ईष्ट की उपासना करना। महाराष्ट्र में दत्त परंपरा काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पे गुरुचरित्र का पारायण भी होता है और महाराष्ट्र में दत्त गुरु के प्रमुखता तीन मुख्य अवतार माने गए, जिनमें से प्रथम है श्रीपाद श्री वल्लभ, जो कि पिठापुर से थे। दूसरे है श्री नृसिंह सरस्वती। तीसरे है श्री स्वामी समर्थ। उनके बाद हुमणाबाद के माणिक प्रभु और श्री शिरडी साई का भी नाम लिया जाता है। दत्त शक्ति चराचर में व्याप्त है। दत्त भगवान अभी भी चैतन्य स्वरूप में इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। दत्त भगवान की उपासना से साधक को जीव से शिव दशा में विलीन करने के लिए हर प्रकार के माध्यम से सहायता मिलती है। दत्त गुरु भगवान गुरु तत्व के उच्चतम स्रोत होने के कारण उनकी उपासना कर हम साधक की उच्च श्रेणी में आ सकते हैं। इसीलिए हमारे आदरणीय गुरु श्री रुद्रनाथ जी हमारे लिए दत्त भगवान के समान ही है और ऐसी हमारी धारणा है। ये दत्त गुरु भगवान के बारे में अगर मैं आपसे बात करते रहूँगा तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास वक्त का एक लिमिट है, इसीलिए मैं अपने आप को यहाँ पर ही रोकता हूँ और आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। अलख निरंजन, आदेश आदेश।